गुरु जी की आई हुई संगत को प्रणाम। आई एम अ लकी लेडी, आई शुड से। आज मैं जिंदा हूं और आप सबके सामने अपने सत्संग सुना रही हूं। ये गुरु जी की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो शायद आज जिंदा नहीं होती। जैसे गुरु जी कहते थे कि दीवार के उस पास से क्या है किसी को भी नहीं पता, ही वॉज ऑलवेज राइट। वो तो भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं। हम तो बेचारे इंसान है, हमें क्या पता कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं और कैसे हमें हर चीज से बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कहते हैं, उनका एक भजन भी है जिसमें कहते हैं कि सानू पता है बदल तो सकता है, सादे हत्ता दिया लकीरा नू। बिफोर आई स्टार्ट, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना फॉर गिविंग मी दिस न्यू लाइफ। मैं अपना इस साल मैंने अपना दो जन्मदिन सेलिब्रेट किए। एक तो 1 जनवरी जो मेरा अपना दिन होता है जिसमें मैं पैदा हुई, और दूसरा गुरु जी का दिया हुआ 28 अगस्त। लास्ट ईयर 28 अगस्त को मैं अपनी घर की बालकनी पे खड़ी थी, फर्स्ट फ्लोर, हमारा बंगलो है और ऐसे फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पे खड़ी थी। और एक्चुअली खड़ी तो मेरी डॉटर थी बड़ी वाली, और उसकी वर्चुअल क्लास स्टार्ट हो गई तो मैं 2 मिनट के लिए बाहर निकली और मैंने उसको ऐसे पुश किया अंदर। वो 1 ही मिनट वहां पे खड़ी थी, मैंने उसको खाली पुश किया अंदर कि जाओ और जाके अपनी क्लास को अटेंड कर। उसके बाद क्या हुआ, इट इज अ मिरेकल। जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं नीचे पूरे के पूरे बालकनी, सेकंड फ्लोर की बालकनी, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी, ग्राउंड फ्लोर की बालकनी, इन सबके बीच में दबी पड़ी थी। और संगत जी, आप सोच सकते हैं कि जैसे अर्थक्वेक आता है और आप अंदर सफोकेट हो जाते हैं, मुझे गुरुजी ने कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। जब ऊपर से सेकंड फ्लोर की बालकनी फर्स्ट फ्लोर पे गिरी जहां मैं खड़ी हुई थी, तो वो गुरुजी ने मुझे एकदम पकड़ लिया एंड ही नॉक्ड मी ऑफ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैंने जब अपने आप को देखा तो मैंने, मेरे सामने जो मेरे नेबर्स थे उनको, वो मुझे नजर आ रहे थे। मुझे मेरी डॉटर बताती है कि मम्मा, जब ये बालकनी सारी कोलैप्स हो गई, आप उनके बीच में दब गए, तो मैं और पापा नीचे गए और आपको आपको उस मलबे में ढूंढ रहे थे लेकिन आप कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आपके ऊपर पूरा इतना सेकंड फ्लोर की बालकनी, 5,000-10,000 किलो का वजन आपके ऊपर पड़ा हुआ था और हम सोच रहे थे कि आप नहीं बचे। 2 मिनट्स मम्मा आई थॉट कि यू आर नॉट लिविंग। कहती मैंने पापा को बोला, पापा आप जल्दी जल्दी मम्मा को निकालो इसमें से, कुछ करो, इसको हिलाओ ताकि मम्मा बाहर निकले। मेरी 2 डॉटर्स हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई उस टाइम पे, इनफैक्ट कोई भी हो जाएगा। और मेरे अंकल ने ऊपर से जो भी उनको कुछ ऊपर नजर आया, मैं तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी इन सब बालकनी जो जिसके बीच में मैं फंसी पड़ी थी, मैं तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी, तो उनको जो भी ऊपर कुछ नजर आया वो हिलाना शुरू किया उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि बहुत हैवी था। और जब उन्होंने वो हिलाना शुरू किया तो कहते हैं कि मेरा हाथ, 2 मिनट के बाद मेरा हाथ बाहर निकला और मेरी डॉटर रोने लग गई कि पापा मम्मा जिंदा है, निकालो मम्मा को बाहर, क्योंकि खाली हाथ ही नजर आ रहा था उस टाइम तक। बट आप इमेजिन कीजिए संगत जी कि कितनी कितनी बड़ी कृपा करी होगी गुरु जी ने मेरे साथ अपने आप को रखकर, क्योंकि मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि मेरे ऊपर इतना सारा वजन है। कौन कौन नहीं आया मुझे हेल्प करने के लिए कोविड के टाइम पे, 28 अगस्त 2021, पीक कोविड टाइम चल रहा था, सब कुछ बंद था, कोई किसी के घर नहीं जाता था कि कोविड ना हो जाए, कोई किसी को घर में आने नहीं देता था। और हम जहाँ रह रहे थे वो तो बिल्कुल ही बंगलोज थे,
एंड सब अपने अपने बंगलोज में थे, उठते थे. लेकिन जब ये हादसा हुआ, मेरा कोई नेबर नहीं रहा, सब वहां पे मुझे हेल्प करने के लिए आ गए. धीरे धीरे करके उन्होंने ऊपर से पाइल्स ऑफ जो भी वो ईंट पत्थर कक्कर जो भी था वो सब निकालना शुरू किया. आप इमेजिन करो कि इतना भारी वजन मेरे ऊपर था, लेकिन मेरे बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच नहीं था, एक खून का कतरा नहीं था मेरी बॉडी पे, कोई एक कहीं से भी कोई फेस पे कुछ नहीं था. आप ये इमेजिन कीजिए कि इतना बड़ा वजन, इतना भारी बालकनी, 5000 टन की बालकनी नीचे गिर गई, मेरे ऊपर गिरी हुई है, लेकिन मेरा सर बचा हुआ है, मेरे हाथ पैर बचे हुए हैं, सब कुछ बचा रहा. बट इनिशियल स्टेज पे जब ये लोग मुझे निकाल रहे थे, इनको एक घंटा लगा सब लोगों को सब मिलके, यहाँ तक कि उसी दिन 28 अगस्त को गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए कि वर्कर्स आ सकते हैं. हमारे पीछे एक सरदार जी अंकल रहते हैं, इनिशियली उन्होंने मुझे देखा और बोला अपने वर्कर्स, उनका घर साथ में बन रहा था, और उन्होंने बोला कि आई थिंक शी इज नो मोर. तो वो अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, और जैसे ही मैंने अपना हाथ बाहर निकाला, तो वो इमिजिएटली उन्होंने अपने वर्कर्स, जो उनके घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, अपने वर्कर्स को बोला कि यहीं से कूद जाओ, इसको बचाओ किसी भी तरीके से. सरिये लाए गए इतना वजन उठाने के लिए, लेकिन सरिये तक टेढ़े हो गए. उन्होंने मोटी मोटी पाइप्स लोहे की लाई निकालने के लिए, उससे भी कुछ नहीं बना. और मेरा लेफ्ट वाला फुट जो था, वो बहुत बुरी तरीके से उस मलबे के अंदर, जो कंक्रीट था उसके अंदर फंसा पड़ा था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मैं तेरे को कैसे निकालूंगा मुझे नहीं पता, पर तुम गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो. मैंने एक बार दो बार, मुझे जो याद है, मैंने एक दो बार गुरुजी का बोला, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो करके इतना ही शायद बोला होगा, और उसके बाद मैं फिर से शायद बेहोश हो गई. जब मुझे होश आया तो मुझे 8-10 लोग जैसे बॉडी को लेकर जाते हैं जलाने के लिए, हाथों में उठा के, मुझे वैसे उठा के उन्होंने घर के एक छोटा दरवाजा दूसरी साइड से खुला था, वहां से वो लोग मुझे अंदर कर रहे थे, क्योंकि सामने वाले दरवाजे पे तो सारी बालकनी गिरी पड़ी थी, सारी ऊपर से सेकंड फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर सारी बालकनी गिरी हुई थी, वो दरवाजा खुल ही नहीं सकता था. और ऊपर से मेरे जिस फ्लोर पे मैं थी वहां पे मेरे साथ एसी के दो बैक यूनिट्स भी थे, वो भी स्लाइड करे. पर आप इमेजिन करो गुरुजी कैसे अपने मिरेकल्स करते हैं, कैसे गुरुजी अपने लोगों का ख्याल रखते हैं कि वो भी मेरे सर पे नहीं गिरे. मेरे सर कितने गुरुजी का शुक्राना करूं इस चीज के लिए कि मेरे शरीर के ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच नहीं था. देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ब्लड स्टेन ऑन माय बॉडी. मेरा जो पैर था, अगर हम यहां से कहीं गिरते हैं, सीढ़ियों से गिरते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है. आप इमेजिन करो 5000 टन का पूरी बालकनी मेरे पैर के ऊपर थी, वो पैर फैंटास्टिक, उसमें खाली थोड़ी सी नर्व्स हैं जो डेड हैं, परफेक्टली ऑल राइट, एक फ्रैक्चर नहीं है उसके अंदर. ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी उस टाइम पे मेरे साथ खड़े होंगे पक्का. जब मैं गिरी तो मैं बिल्कुल बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने वो सफोकेशन भी नहीं महसूस करी जो इंसान करता है जब इतने सारे मलबे के अंदर, इतने सारे कंक्रीट के अंदर, इतने हजारों टन के कंक्रीट के अंदर फंसा हुआ होता है, वो सांस नहीं ले पाता. लोग अर्थक्वेक के अंदर फंसे हुए होते हैं, वो पूरा अपने आप को महसूस कर सकते हैं. तो गुरुजी ने तो मुझे एकदम पकड़ के अपने साथ रखा हुआ था, मुझे कुछ महसूस नहीं होने दिया. जब मुझे ये लोग उठा के मेरी बॉडी, मेरे को अंदर कर रहे थे छोटे वाले दरवाजे से, तब मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ, मुझे दर्द हुई, मैंने आवाज निकाली करके, और मैंने किसी को बोला कि मुझे आराम से अंदर कर लो, मुझे यहाँ दर्द है शोल्डर्स पे.
एंड हमारे घर के पास में एक डॉक्टर रहती है, शी इज अ गुड, शी वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन. अब तो सारे के सारे दे हैव ऑल बिकम गुरुजी संगत एंड ऑल हैव सो मच ऑफ फेथ इन गुरुजी मेरे इंसिडेंट के बाद में. एंड वो लेडी कहती है कि मैं हेल्प करने के लिए आई कि मैं किसी तरीके से तुम्हारी हेल्प कर पाऊं. कहती लेकिन जब मैंने तुमको देखा कि तुम ऐसे उसके अंदर फंसी पड़ी हो एंड पीपल आर होल्डिंग यू, क्योंकि मैं तो बेहोश थी, तो पीपल आर होल्डिंग यू सो दैट यू कैन बी स्टैंडिंग, तो कहती मैंने तो सोचा कि यू आर नॉट लिविंग एंड वी वर लूजिंग टाइम, क्योंकि एक घंटा हो चुका था मुझे निकालने के लिए, बहुत कोशिश करी गई. तो जब मेरी आवाज उसने सुनी कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे दर्द हो रही है, मुझे जरा आराम से निकाल दो यहाँ से, आराम से अंदर कर लो, तो वो कहती मैं एकदम टर्न करके भागने लग गई और उसने सबको बोला यहाँ से जगह खाली करो, ऑक्सीजन आने दो, हवा थोड़ा सा आने दो, इसको क्लियर कर दो ये सारा एरिया. फिर उसने मैक्स हॉस्पिटल की बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी, उनको बोला कि इसको शायद फ्रैक्चर है, आप वो फ्रैक्चर वाली जो स्लीन वाली ये स्ट्रेचर होता है वो वाला लेकर आइए. और जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो मेरे हस्बैंड को खुद को बैकेक कितनी हो रही थी, वो कैसे उन्होंने मुझे बचाया, आई हैव नो वर्ड्स. गुरुजी खुद वहां पे बैठे थे, कैसे उन्होंने ये सारा काम किया आई हैव नो आइडिया एट ऑल. एंड हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं, आई वाज इन आईसीयू, एंड डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि आपको पता है आपको क्या हुआ है. तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं पता कि क्या हुआ है. कहते आपको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं. तो मैंने ऐसे हंस के ऐसे हाथ को टर्न करके कहा कोई बात नहीं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स ही हुए, कोई ज्यादा मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स संगत जी आप सोच सकते हो, 3 in pelvic, 3 in spine, L2 से L4, रिब्स फ्रैक्चर थी, स्लीन फ्रैक्चर थी. बट गुरु जी की मेहर वहां पे भी थी, जितनी भी हड्डियां टूटी थी दे हैड नॉट डिसलोकेटेड, कोई भी टूट के आगे पीछे नहीं हुई थी. पेल्विक फ्रैक्चर भी ऐसा था कि वो टूट के खाली वहीं का वहीं था, और 2 major पेल्विक फ्रैक्चर्स दोनों लेफ्ट एंड राइट पे, और थर्ड वाला जो था वो माइनर था. बट क्योंकि ये हड्डियां जो टूटी थी वो वहीं की वहीं जुड़ी थी, तो डॉक्टर ने बोला इनको कहीं पे भी फ्रैक्चर के जो प्लास्टर लगाने की जरूरत पड़ती है वो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वो परेशान हो गए डॉक्टर्स ये देखकर कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसा ऐसे ऐसे कहीं उन्होंने सुना ही नहीं आज तक कि किसी को कोई बालकनी से ऐसे गिर जाए और उसको इतने मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं लेकिन हड्डियां वहीं की वहीं टूट के क्रैक होके वहीं की वहीं टिकी हुई है, वो अपनी जगह से हिली ही नहीं. मतलब आप मतलब कितना गुरुजी को मैं शुक्राना कर सकती हूँ पैर बचाने के लिए, मुझे बेहोश करने के लिए कि मेरे को समझ ही नहीं आए कि मुझे दर्द का महसूस ना हो, और कैसे ये फ्रैक्चर गुरुजी ने दिए. कोई मेरी किस्मत में होगा, कुछ मेरे कर्म होंगे, कुछ जो मेरे को करने होंगे, जो गुरुजी ने मेरे ठीक करने होंगे, तो मुझे ये एक्सीडेंट हुआ. और शायद बहुत ही अच्छे कर्म रहे होंगे जो गुरुजी मेरे साथ साथ हमेशा इन पूरे दिनों में मेरे साथ रहे. आप इमेजिन करो, सेकेंड डे व्हेन आई वाज इन आईसीयू, तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए. मैं गुरुजी से लड़ रही थी इस ड्यूरेशन में, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी को 2005 में भारतीय आंटी जो गुरु जी के पुरानी संगत है उनके थ्रू वो मेरी मदर इन लॉ को लेकर गए थे, और मैं उन दोनों का शुक्राना करना चाहती हूँ, भारतीय आंटी और मेरी मदर इन लॉ का, कि उन्होंने 2005 में हमें गुरुजी से मिलाया. नाउ आई कम बैक टू दिस कि जब मैं सेकेंड डे आईसीयू में थी तो मैं गुरुजी से लड़ रही थी कि गुरुजी ये मेरे साथ आपने क्यों किया, अगर मैं भी एक मिनट के अंदर अंदर ही चली जाती जैसे मैंने अपनी डॉटर को पुश किया, मैं भी अंदर चली जाती वापस घर में, तो ये बालकनी नीचे कोलैप्स हो जाती, कोई भी नहीं फंसता, कुछ भी नहीं होता. एंड कैन यू इमेजिन कि गुरुजी मुझे ड्रीम में आके कहते हैं कि जा मैं तेनू सेकेंड लाइफ देती है, जा ऐश कर. और मैं सोचने लग गई कि ये तो मेरा वहम है, मैंने
मुझे गुरुजी ने ये वाली बात बोली है, ये मैंने सुनी है कि ये मेरा इल्यूजन है, ये मेरा वहम है कि मैंने ऐसी बात सुनी। और मैं ये सोचती रही जितने दिन हॉस्पिटल में रही मैं, 2 days आई वॉज इन ICU, 4 days आई वॉज इन ICU, देन 5 days आई वॉज इन मेन हॉस्पिटल। जब मैं घर में आई तो ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, लंग्स काफी इफेक्टेड हो चुके थे एंड विद मल्टीपल फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि आप हिलोगे बिल्कुल भी नहीं, अगर आप हिले तो आपकी बोन्स जो ज्वाइन होनी है अपने आप वो गलत ज्वाइन हो जाएंगी, और अगर आपकी गलत ज्वाइन हो जाएंगी देन वी कैन नॉट हेल्प इट। आप इमेजिन करो, मैं घर में आई, मेरे साथ पूरा एक ICU का पूरा यूनिट लगा विद ऑक्सीजन, ECG मशीन, नर्सेस डे एंड नाइट, और इस पूरे ड्यूरेशन में आई वॉज ऑन बेड फॉर नियरली 3.5 months फ्रॉम ऑगस्ट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑगस्ट एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने मैं बेड पे बिल्कुल सीधा पीठ के बल लेटी रही। आज अगर किसी को बोलोगे आप कि जा ऐसे लेट जा, बैक पे जाके लेट जा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मैं खुद भी नहीं शायद ऐसे कर पाऊंगी। मैं भी खुद कभी लेफ्ट टर्न कभी राइट टर्न ऐसे करूंगी, पर मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि मैं 4 महीने बिस्तर के ऊपर कैसे बैक के ऊपर अपना लेटी रही। मैं टांग तक नहीं हिलाती थी क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आप जैसे ही टांग हिलाओगे तो आपका पेल्विक फ्रैक्चर जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं डॉक्टर को रिक्वेस्ट करती थी, डॉक्टर साहब मुझे खाली थोड़ा सा टर्न करने दो, थोड़ा सा अपनी नी टर्न करने दो डॉक्टर साहब, जब भी मैं रिव्यू के लिए जाती थी। और जब मैं वापस आती थी तो मैं लिटरली रो रही होती थी, मैं इतनी डिप्रेस्ड हो रखी होती थी, मैं इतनी मायूस हो रखी होती थी कि मैं रोने लग जाती थी, और मुझे देखकर मेरे बच्चे भी रोने लग जाते थे कि मम्मा रो रही है। मेरे बच्चे मुझे देख ही नहीं सकते थे कि ये रो रही है। मेरी बड़ी भाई तो ये डॉटर ये सोचती है कि शायद मेरी जगह पे शायद वो थी, अगर उसको कुछ हो जाता तो वो कैसे हैंडल करती। शी इज थैंकफुल टू गुरुजी फॉर सेविंग हर लाइफ एंड सेविंग माई लाइफ। उसके बाद एंडलेस इतना मेरे को डिप्रेशन होता था। मेरे फ्रेंड्स, मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, वो मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ रही थ्रू एंड थ्रू। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर गुरुजी ने इतनी पॉजिटिविटी दी, इतनी पॉजिटिविटी कि मैं बयान नहीं कर सकती। जो कोई मुझे मिलने आता था वो सब मुझे पॉजिटिविटी देते थे, मुझे पॉजिटिव नोट देते थे। और आप मानेंगे संगत जी, जो मेरा लेफ्ट वाला फुट है ये बिल्कुल पत्थर का बन गया था, बिकॉज देयर वर डेड नर्व्स। तो ये तो मैं वैसे भी हिला ही नहीं सकती थी, जैसे डॉक्टर ने मना किया कि आपने नहीं हिलाना है अपना पैर, क्योंकि अगर आपने हिलाया तो पेल्विक फ्रैक्चर खराब हो जाएगा। तो मैं शुरू में इनिशियली उन्होंने मुझसे मेरे पैर के ऊपर 4.5 kg का वाटर बैग का पूरा वो वजन डाल दिया, हैंग कर दिया था वाटर बैग 4.5 liters का मेरे इस लेफ्ट वाले फुट के ऊपर। ये बेचारा ऑलरेडी इंजर्ड था और इसके ऊपर वो डाल दिया, तो उसकी वजह से स्वेलिंग शुरू हो गई, बिल्कुल ब्लू हो गया। एंड कैथेटर ऑन, बहुत डिफिकल्टीज थी, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज। 4 months के लिए कैथेटर किसी को लगा हो तो आप इमेजिन करो, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कैथेटर चेंज करना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, इतनी प्रॉब्लम्स थी। बट कैसे गुरु जी ने किश्ती मेरी आराम से चप्पू खुद संभाल के कश्ती का निकाला मुझे। उस ड्यूरेशन में हमारे घर में एक आंटी आती हैं, जो घर के बाहर गेट पे आके मेरी फोटोज क्लिक करके मेरे फ्रेंड्स को भेजती हैं जो कि गुरुजी की संगत है। तो वन ऑफ माय फ्रेंड शी गिव्स मी अ कॉल और मुझे कहती हैं कि हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चलता है। तो मैंने कहा कैसे पता चलता है, कोविड के टाइम पे तो कोई किसी के घर में नहीं आ रहा है। तो कहती है नहीं, गुरुजी ने एक आंटी को बोला है कि इसके घर में जाना और इसके बारे में पता करके आना करना। आई डोंट नो कैसे वो हुआ। तो मैंने उसको बोला कि आप आंटी को बोलो कि वो हमारे घर आए और अंदर आके बैठे। गुरुजी ने अगर उनको बोला है ये तो उनको बोलो आप अंदर आए और मुझे मिले, मैं भी उनको देखूंगी। आंटी आए, आंटी आके मेरा पैर उन्होंने पकड़ लिया,
गुरु जी को कुछ बोला। संगत जी मेरे को इससे पहले कितने दिन हो गए थे, मुझे नींद नहीं आती थी रात को, एंडलेस डेज एंडलेस नाइट्स मुझे नींद ही नहीं आती थी। एक तो वैसे ही पेन डिप्रेशन और इतना ज्यादा मायूसियत होती थी कि ये क्या हो गया है मुझे। वो आंटी आए, आंटी ने मेरा पैर पकड़ा, एंड समबडी अननोन कमिंग टू योर हाउस एंड होल्डिंग योर फुट, मतलब अपना कोई हो और पैर पकड़ ले तो समझ में आता है कोई बाहर से आ रहा है और आपका पैर पकड़ लेता है अचानक से विदाउट द पर्सन नोइंग कि इसके पैर में इतनी प्रॉब्लम है। और पकड़ लिया आंटी ने, और आंटी पकड़ के गुरुजी को कुछ कहती थी, एंड वो रात मेरी इतनी अमेजिंग रात होती थी कि मैं गुरुजी को शुक्राना करती थी और मैं रात भर गुरुजी का भजन ऑन करके एयरफोन लगा के, नर्सेस अपना आराम से बैठी हुई होती थी और मैं एयरफोन लगा के अपना अपनी रात काटती थी। मैंने पूरे 4 महीने यही काम किया है, गुरुजी के भजन सत्संग पूरा पूरा दिन सुनती रहती थी एंड गुरुजी को कहती थी गुरुजी किसी तरीके से मुझे इससे बाहर निकालो, मैं चलना चाहती हूँ, मैं इतनी एक्टिव लेडी कहाँ ऐसी चीज में फंस गई। एंड ये आंटी आते हैं और आके मेरा पैर पकड़ते हैं, और जितनी बार भी ये आंटी आते थे, आंटी हमेशा आके मेरे पैर को पकड़ते थे, हफ्ते में एक बार आके जरूर वो आती थी और आके मेरे पैर को पकड़ती थी, और वो नाइट बहुत मेरिकल नाइट होती थी। खास के मेरा ब्रदर कभी कभी कहता था मुझको कि आंटी को फोन करके बोलो कि हर रोज आ जाया करे, तो मैं हंसती थी कि अगर मैं हर रोज बुलाऊंगी तो मुझे लगता है ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, अगर मैं अपने आप आंटी को फोन करके बोलूंगी तो ये ब्लेसिंग्स चली जाएंगी, तो मैं आंटी को नहीं फोन करती थी। लेकिन जब भी मेरा मन करता था आंटी अपने आप खुद ही पहुंच जाती थी, जैसे कि एक थेरेपी, ब्रेन थेरेपी एक है कि आंटी और मेरे बीच में, और आंटी पहुंच जाती थी वहां पे। कैसे कैसे गुरुजी ने नजारे दिखाए उस टाइम पे, कभी खाना खाते खाते मैं रोने लग जाती थी क्योंकि खाना नहीं खाया जाता था, आई कुड नॉट ईट ऑल द थिंग्स जो सारी दुनिया खा सकती थी क्योंकि मैं लेटी रहती थी, मेरा वजन इंक्रीज हो सकता था, विच वॉज अगेन बैड फॉर माई पेल्विक जॉइंट्स। अचानक से एक बटरफ्लाई आ जाती थी, खूबसूरत सी बटरफ्लाई मेरे घर के विंडो के सामने से आ जाती थी, और मैं सोचती थी ये कहाँ से आ गई बटरफ्लाई अचानक से, और फिर गुरुजी को कहती थी जय गुरुजी मुझे मालूम है आप मुझे अपने दर्शन दे रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो तो टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ। पीकॉक आता था, पीकॉक आके घंटों घंटों एसी के मेरे जिस कमरे में मेरा पूरा एसी का ये आईसीयू का यूनिट लगा हुआ था उस पे आके वहां पे एसी लगा होता था, एसी के ऊपर आके विंडो एसी के ऊपर आके बैठ जाता था। कैन यू इमेजिन मतलब कैसे गुरुजी ने अपनी गुरुजी ने दिखाया कि मैं साथ 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 तेरे हूं, तू टेंशन मत ले बस। और वो अमेजिंग टाइम था जो निकल गया। अब 21 जनवरी को, उससे पहले 24 दिसंबर को मुझे ग्रीन सिग्नल मिला डॉक्टर से कि मैं चल सकती हूँ, और मैं गुरुजी को कहती थी कि 1 जनवरी गुरुजी मेरा बर्थडे है, आपके पास मैं इतने सालों से अपने बर्थडे पे आ रही हूँ, चल के आती हूँ गुरुजी, मुझे प्लीज इस बार भी अपने मेरे बर्थडे पे मैं बड़े मंदिर आऊं, और मैं चलती हुई आऊं। तो 24 दिसंबर को गुरुजी की वजह से, गुरुजी की मेहर थी कि मुझे डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दिया कि यस यू कैन वॉक। आप मानोगे नहीं संगत जी मैं कितनी खुश कि मुझे किसी ने चलने के लिए बोल दिया है, मैं 2 पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ क्योंकि मेरे सारे फ्रैक्चर्स परफेक्टली ऑल राइट हो गए थे, देवर अटैच टुगेदर, सब ज्वाइन हो चुके थे, मेजर प्रॉब्लम खाली पेल्विक फ्रैक्चर की थी ज्यादा, वो भी ज्वाइन हो चुका था, उसी को ज्यादा टाइम लग रहा था, और सारा कुछ मतलब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि उठो, मुझे पकड़ के बच्चों की तरह जैसे पकड़ के खड़े करते हैं मुझे खड़ा किया, एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज, मैंने थैंक यू बोला गुरुजी को, गुरुजी आज आपने मुझे चला दिया, जो मैं कभी सोच नहीं रही थी कि शायद मैं चल पाऊंगी, आपने मुझे चला दिया। उसके बाद मैंने गुरुजी को थैंक यू करने के लिए 1 जनवरी को बड़े मंदिर गई, सारे संगत वहां पे जो थे, जो सेवादार थे, उन सब ने मेरी हेल्प करी क्योंकि मैं तो इनिशियली अभी वॉक करना सीख रही थी जैसे एक बच्चा सीखता है चलना, ऐसे 4 महीने के बाद मुझे जब जमीन मिली चलने के लिए, तो मेरे लिए तो एक जैसे खिलौना होता है बच्चे को मिल जाता है ऐसा वाला एक्साइटमेंट थी। तो मैं धीरे 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 चलना शुरू करी, तो सेवा
सेवादार अंकल और आंटी ने बोला कि आंटी आप यहाँ से जा रहे हो एंट्रेंस वाइज साइड से, आप इधर ही से वापस आ जाना, आप इतना नहीं चल पाओगे, और अगर जब जहां थक जाओगे आप वहीं बड़े मंदिर में बैठ जाना। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि देखो कोविड के टाइम पे कितना इजी कर दिया है, फटाफट सारे चलते जा रहे हैं जो और संगत आए। तो मैंने कहा मेरे तो ऐश है, मुझे तो स्पेशल परमिशन मिली हुई है कि जहां मैं थक जाऊं मैं बैठ जाऊं। और जैसे ही मैं बैठी तो एकदम वो शुक्राना वाला गुरु जी का भजन जो है वो चल पड़ा, एंड आई वॉज रोलिंग डाउन, माई टीयर्स वर रोलिंग डाउन माई आईज कि देखो कैसे गुरु जी मुझे मेरे मन की बात जो शुक्राना करने के लिए मैं गुरु जी के पास आज बड़े मंदिर में आई हूँ, कैसे गुरु जी ने वो ही सत्संग वो ही भजन प्ले कर दिया है और देखो मेरे मन की बात वो समझ चुके हैं ऑलरेडी। करते करते 21 जनवरी आया, हमारा फिर से रिव्यू का टाइम आया। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर देर वॉज समथिंग विच वॉज When I started walking, तो मुझे राइट साइड पे बैक पे मुझे बहुत पेन थी। This was I had observed 24 दिसंबर और 1 जनवरी 24 दिसंबर और 20th जनवरी के बीच में मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे बैक साइड से कुछ बाहर को स्किन बॉल की तरह बन रही है और मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। तो 21 जनवरी को जब मेरा रिव्यू था तो मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ कि डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ पे बड़ा दर्द है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों है, क्योंकि फ्रैक्चर्स तो ठीक हो चुके हैं तो कुछ तो है यहाँ पे। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं ये तो खाली ब्लड क्लॉटिंग हो गई है और उसकी वजह से ये आपको लग रहा है। तो मेरे अंकल ने और मैंने हम दोनों ने स्ट्रेस किया कि नहीं डॉक्टर साहब इसका एक बार चेकअप करवा लो, क्योंकि ऑल दिस टाइम वी हैड गॉन थ्रू सो मेनी ऑफ प्रॉब्लम कि मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जब कोई प्रॉब्लम हो तो 2-3 बार जरूर अपना क्रॉस चेक करवा लेना चाहिए। तो मैंने हम लोगों ने स्ट्रेस किया, डॉक्टर को प्रेशराइज किया कि नहीं डॉक्टर साहब आप इसका जरूर चेक करवा लीजिए कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें डॉक्टर ने बोला अच्छा अल्ट्रासाउंड करा लो पता चल जाएगा उससे। अल्ट्रासाउंड करने लगे तो समझ ही नहीं आ रहा था। देन आई टर्न और जो लेडी अल्ट्रासाउंड कर रही थी कहती, उसने फटाफट डॉक्टर्स को इन्वाइट कर लिया, वहां पे जितने डॉक्टर्स थे वो सबके सब आ गए। दिस इज लंबर हर्निया विच आई हैव हैड एंड यूजली हर्निया आगे की साइड में होता है, ये बैक साइड पे, और ये जस्ट ऑफ दिस फॉल है कि नीचे वाली जो ग्राउंड फ्लोर की बालकनी थी वो उसने मुझे पीछे से हिट किया था और उसकी वजह से ये थोड़ा सा मेरा स्किन जो वो प्रोडिटिंग आउट था और वहां पे एक लंप बन चुका था एंड इट वॉज एक्चुअली लंबर हर्निया विच इज 1 in 1 lakh केसेस। इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर सर्जरी करी है, ये हमें बाद में पता चला। तो वहां पे जो डॉक्टर थे जिन्होंने मेरे को उस टाइम पे चेक किया और ऑब्जर्व किया कि ये लंबर हर्निया है, तो उन्होंने बोला कि एक डॉक्टर जो उनमें से थे कहते कि ये तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हो जाएगा। तो मेरे हम लोग घर वापस आ गए, दो आई वॉज वेरी अपसेट कि इतना फॉल के बाद में एक मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे उसके लिए तो कोई सर्जरी नहीं हुई, लेकिन ये आफ्टर इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट और उसके लिए ये सर्जरी हो रही है, बिकॉज इसका और कोई उपाय नहीं है, इट हैज टू बी अ सर्जरी ओनली। और वो मतलब 21 जनवरी को जितना उसका लेंथ था उससे ज्यादा वो बढ़ चुका था when we went for another checkup on 2nd of February। और इस दौरान मेरे अंकल कहते हैं कि मैं मेदांता हॉस्पिटल के सीईओ को जानता हूँ, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ कि let's go for a second opinion। उन्होंने उनसे बात करी तो बात पता चली कि डॉक्टर गिरीश आदर्श चौधरी बहुत फेमस सर्जन है एंड वो उनको दिखाने के लिए बात हुई। हम उनके पास गए अपॉइंटमेंट लेकर, लेकिन जहां तक हमने सुना था कि डॉक्टर आदर्श चौधरी एक वहां के चेयरमैन हैं और उस लेवल पे आ गए कि वो सर्जरी नहीं इतना करते, उनकी वो अपनी टीम उनकी पूरी है, वो टीम को असिस्ट करते हैं। सो आप देखिए कि हम वहां पहुंच गए अपॉइंटमेंट लेकर और सारी बात कर ली तो डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होगी, कहते नहीं ये ओपन सर्जरी होगी और लैप्रोस्कोपिक का हो ही नहीं सकता है, इसमें कोई कुछ भी इसमें लैप्रोस्कोपिक नहीं हो सकता, इट हैज टू बी ओपन सर्जरी क्योंकि ये बैक साइड में हो और स्पाइन के साथ टच कर रहा है।
आप मानिए गुरु जी, आप मानिए संगत जी कि कैसे हम वहां पहुंच गए, गुरु जी ने कैसे हमें वो लैप्रोस्कोपिक डॉक्टर से बचा के इनके पास भेज दिया जो ओपन सर्जरी कर रहे थे डॉक्टर आदर्श चौधरी। हम वहां पहुंचे तो हमने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आप सर्जरी करेंगे? तो कहते कि नहीं करूंगा। माय हस्बैंड आस्क्ड हिम अगेन कि गुरुजी ये डॉक्टर साहब आप ही करेंगे? तो कहते आप मेरे पास आए हैं, फीस आपने मेरे को दी है, तो डेफिनेटली मैं ही करूंगा। अब जब हम उनके उनसे बात करके अपनी केस हिस्ट्री वगैरह सारा डिस्कस करके हम वहां से निकल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ऐसे ही मेरे अंकल ने उनको बोला कि ये तो गुरुजी की मेहर है कि ये कैसे बच गई है, कैसे गुरुजी ने इसको कैसे इसको इतने बड़े प्रॉब्लम से, इतनी बड़ी एक्सीडेंट से, विदाउट एनी हेड इंजरी और विदाउट एनी, मतलब आप ये सोचिए कि इतना बड़ा पहाड़ जब किसी के सर पे गिर जाए, सर टूट सकता है, आंख टूट सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही वो बोल के बोलते हुए इस डॉक्टर आदर्श चौधरी को हम उठे, ये इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ये तो गुरुजी की मेहर है कि ये कैसे बच गई है। बस इतनी बोलने की देर थी, डॉक्टर साहब इमीडिएटली कहते कि कौन से गुरुजी? तो मैंने, जो मैं कभी करती नहीं हूँ, मैंने उनकी तरफ पॉइंट किया और उनको बोला कि ये छतरपुर वाले गुरुजी की बात हो रही है, आप जानते हैं ना उनको? मैंने अपने आप ही, पता नहीं प्रोएक्टिवनेस थी, मैंने उनको सीधा ऐसे बोला, मैंने कहा आप जानते हैं ना उनको? और वो डॉक्टर, उन्होंने सिर हिलाया हाँ में, ही नॉडेड हिज हेड यस, फिर सिर हिलाया ना में, फिर सिर हिलाया हाँ में, और फिर उन्होंने गुरुजी के सत्संग सुनाने शुरू कर दिया हमें। एंड मैं सोच रही हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसे हो सकता है। संगत जी, वो गुरुजी खुद वहां बैठे थे, वो खुद वहां बैठे थे और सर्जरी के लिए जो मान नहीं बांधता नहीं था ये डॉक्टर सर्जरी करने के लिए, देखो कैसे इसने सर्जरी के लिए हाँ भी बोल दिया। और ही सच अ बिजी डॉक्टर, ये लोगों की केस हिस्ट्री सुनने के लिए लोगों डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता, ये पूरी मेरी हिस्ट्री सुन रहे हैं, उसके बाद में मुझे सत्संग भी सुना रहे हैं गुरुजी के बारे में। कहते हैं मैं गुरुजी के पास जाता था, गुरुजी मुझे रात को 2 बजे बुलाते थे और मैं वहां बैठा होता था गुरुजी के वहां पे, ये राकेश पायलट और मेनका गांधी वहां पे बैठे हुए होती थी और गुरुजी मुझे कहते थे कि जा चा बना ला। आप सोच सकते हैं संगत जी कि कैसे कैसे गुरुजी ने मुझे अपने ब्लेसिंग्स कितनी दिखाई, कितने करिश्मे दिखाए गुरुजी ने। उसके बाद मतलब एक सत्संग, 2 सत्संग, 3 सत्संग, और मुझे तो वैसे भी सत्संग सुनने में गुरुजी के बड़ा मजा आता है, मैं तो वहीं बैठ जाती थी कि वो सुना रहा है ठीक है सुनते जाओ, जिसकी बारी नेक्स्ट है वो अपने आप सोचेगा, और वो सत्संग सुनाते रहते थे। देन वी गॉट अप एंड वी केम आउट ऑफ द रूम और मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के कह रही हूं कि आप कभी सोच सकते हो कि यहाँ पे भी गुरुजी बैठे हुए हैं? तो कहते तुम चुप रहो, जैसा हो रहा है चलता रहने दो। और हमने अपनी डेट फाइनलाइज कर दी सर्जरी के लिए। एंड वो ऐसा रहा था कि एवरी थर्सडे विदाउट फेल एवरी थर्सडे हम मेदांता हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। तो मैंने एक दिन हंस के बोला भी अपने अंकल को कि ये गुरुजी ना कोई कष्ट काट रहे हैं हमारा, एवरी थर्सडे हम मेदांता हॉस्पिटल के ही चक्कर लगा रहे हैं। सो इफ यू सी 21 जनवरी को वो ऑब्जर्व हुआ था कि ये लंबर हर्निया है, 2 फरवरी को उसका ग्रोथ और बढ़ गई थी, डॉक्टर साहब ने जो आदर्श चौधरी थे उन्होंने बोला कि एक और एक सीटी स्कैन करके लाओ, तो पूरा सीटी स्कैन वगैरह हुआ विद आई थिंक वो डालते हैं कुछ ब्लू सी कोई इंक वगैरह डालते हैं बॉडी के अंदर और उससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रखा है, क्योंकि नर्व्स उसके साथ अटैच थी लंबर हर्निया के साथ में, और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो वो पूरा डाल के वो चेक करते हैं कि कितना कितने डेप्थ में कहाँ कहाँ है। एंड सिटी स्कैन हुआ एंड वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ सर्जरी ऑन आई थिंक 18th, दैट वाज अगेन थर्सडे, एंड 17th और 18th व्हाटएवर डेट दैट वाज, जिस दिन थर्सडे था हम सर्जरी के लिए गए। एंड सर्जरी हुई, सर्जरी के लिए इट वाज टोल्ड टू अस दैट इट विल बी अ 35-40 मिनट सर्जरी। आप ये देखिए कि वो 3.5 घंटे के बाद में वो सर्जरी जो 45 मिनट्स की सर्जरी थी, इट टुक द डॉक्टर्स
3 hours, 3.5, 4 hours for that specific surgery. And मेरे अंकल बाहर घबरा रहे हैं, घर में सारे घबरा रहे हैं कि ये हुआ क्या है. इसकी सर्जरी तो 45 मिनट्स मैक्सिमम की थी, ये 3.5 घंटे से ज्यादा की सर्जरी कैसे हो गई. जब बाहर निकले तो डॉक्टर ने बोला, आपको पता है कि ये कितनी डिफिकल्ट सर्जरी थी. He says, in my experience of कितना पता नहीं 20-25 years of experience, this is the third case I am handling of lumbar hernia, which is a very unusual. ये होता नहीं है किसी को, और ये एक्सीडेंटल हर्निया है. दिस इज ट्रॉमेटिक हर्निया, इसीलिए बैक साइड पे होता है, नहीं तो नॉर्मल हर्निया आगे वाली साइड पे होते हैं. और क्योंकि ये पीछे स्पाइन के साथ नर्व्स हैं अटैच्ड, उसके साथ में ये जॉइन हो रखा होता है, इसलिए इसको बहुत डिफिकल्ट होता है इसको सर्जरी करना, कि कहीं कोई नर्व कहीं गलत प्रेस ना हो जाए. सो वहां पे मेरे को स्टिचेस आए, अराउंड 8-9 स्टिचेस आए. एंड जब मैं रिकवरी रूम से बाहर आ रही हूँ, मुझे ये लोग लेकर आ रहे हैं बेड पे, तो आई कैन सी गुरुजी फ्रॉम द विंडो दैट ही इज स्माइलिंग एंड ही इज सेइंग कि हुन सब ठीक हो जाए, हो जाओ, ऐसे हाथ करके हुन सब ठीक हो जाओ. एंड इन बिटवीन वन ऑफ माय फ्रेंड हैड आल्सो कॉल्ड मी अप एंड शी हैड सेड कि गुरुजी ने उसको ड्रीम में आके बोला है कि एनेटॉमी जीना सी. She was to die. I have given her longevity, long life. मैंने एनु long life दिखती है. कुछ साल बाद ए realize करेगी कि मैं एनु की दिखता है. संगत जी कुछ साल क्या, मैं तो अभी से ही realize कर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे क्या दिया है. It's a gift. Second birth is a gift to me. उस दिन जब मैंने गुरुजी को देखा विंडो से, जब मेरे को सर्जरी हो गई और मुझे लेकर आ रहे थे मेन रूम, मेरे रूम के अंदर, मैंने गुरुजी को देखा और गुरुजी ने हाथ ऐसे करा हुआ और कहते हैं कि उन सब ठीक हो जाओ. मेरे फादर लॉ मुझे मिलने के लिए आए, बिकॉज ऑफ कोविड बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. मेदांता हॉस्पिटल में आने नहीं देते, खाली एक अटेंडेंट जो भी कोई आपकी फैमिली में से है खाली वो ही आ सकता है और कोई आ ही नहीं सकता. मेरे फादर आए, मेरे फादर इन लॉ दोनों मुझे मिलने के लिए आए, बट इट वॉज हार्डली फॉर अ सेकेंड दे वर एबल टू मीट मी. और मेरा कन्वर्सेशन विद माई फादर इन लॉ वॉज ओनली दिस कि पापा मुझे गुरुजी ने बोला है कि तुम सब ठीक हो जाओ, आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा, एवरीथिंग विल बी ओके. और बस उसके बाद पापा चले गए. आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 5.5 days. थर्ड डे पे मेरी डॉटर के एग्जाम्स खत्म हो गए थे, तब तक मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे डे एंड नाइट. एंड थर्ड डे पे मेरी डॉटर आ गई, उसके एग्जाम्स खत्म हो गए, तो वो आई कहती मम्मा मैं रहूंगी आपके साथ, पापा को घर भेजेंगे. मैंने कहा ठीक है. ये अब आने से पहले ये मुझे कह रही है, हाँ ये आ गई और आके मुझे कहती है कि आपको पता है मम्मा आपका तो वीआईपी रूम है. मैंने कहा नहीं नहीं हमारा तो वीआईपी नहीं है, हमने सिंगल रूम लिया था, सिंगल अकोमोडेशन लिया था, बट वीआईपी रूम तो हमने लिया ही नहीं. तो फिर मैंने फटाफट अपने अंकल को फोन किया कि एक मिनट चेक करो जरा मेदांता हॉस्पिटल में, ये हुआ क्या है, कहीं हमसे ज्यादा तो नहीं चार्ज कर लेंगे. एंड देन ही कॉल्ड देम अप, उन्होंने बोला हमने तो जी इनका सिंगल रूम इन्होंने लिया था वो अवेलेबल नहीं है, तो हमने इनको अपग्रेड कर दिया है वीआईपी रूम में. तो गुरु जी मतलब ऐश भी कराते हैं साथ में, एक्सीडेंट तो चलो जो भी हुआ लेकिन साथ में ऐश भी करा रहे हैं वीआईपी रूम दिलवा के. सो आई हैड अ वंडरफुल टाइम देयर इन द हॉस्पिटल. घर में आए और हम आराम से रह रहे थे. एंड इन बिटवीन क्या हुआ कि मुझे अपना पोस्ट सर्जरी के लिए चेकअप के लिए जाना पड़ता है. तो जब मैं चेकअप के लिए गई तो मेरे स्टिचेस हील नहीं हो रहे थे. इनफैक्ट अभी भी इट्स बीन ऑलमोस्ट नियरली 7 months हैव पास्ड बाय, मेरे स्टिचेस अभी भी एक स्टिच ऐसा है कि जो बिल्कुल ही मतलब बीच में पस हो जाती है उसके अंदर, फिर बंद हो जाता है. इट्स जस्ट अ पॉइंट नीडल जितना, बस इतना एक नीडल जितना, और वो अभी भी ऐसा है कि कभी उसमें पस भर जाती है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर वो खुल जाता है. कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या गुरुजी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नो आइडिया. एंड मैं घड़ी गुरुजी को हाथ जोड़ के कहती हूँ गुरुजी आपके हवाले, जैसे करना है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं थक चुकी हूँ डॉक्टर्स के पास जाके, तो आपने जैसे करना है आप करो, ये मैं कहीं नहीं जाने वाली.
एंड पोस्ट सर्जरी जब मेरे स्टिचेस रिमूव होने थे तो मैं हॉस्पिटल गई, और जब मैं हॉस्पिटल गई तो सुबह 8 o'clock डॉक्टर साहब हमें बुलाते थे, क्योंकि कोविड के टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब लोग आ जाते हैं और पेशेंट्स जब मिलते हैं इनको नॉर्मल लोगों को तो इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है. तो ही यूज्ड टू कॉल अस एट 7:45 कि आप 7:45 आओ, अपना अपना चेक कराओ और चले जाओ, वहां पर रुकने की जरूरत ही नहीं है. बिकॉज इट वॉज अ हब, मेदांता हॉस्पिटल वॉज एक्चुअली अ हब फॉर ऑल द कोविड पेशेंट्स. दो उनका यूनिट डिफरेंट होता था, बट देन स्टिल कि अपना खाली आओ, चेकअप कराओ और जाओ. तो बहुत दूर, जितना बड़े मंदिर में दरबार है गुरु जी का, और जितनी दूर सीढ़ियां हैं, इतनी दूर डॉक्टर साहब खड़े हैं लिफ्ट के सामने. ही हैज टू गो फॉर अ सर्जरी. तो मेरे अंकल उनके पास जाके कहते हैं, मतलब गुरु जी वहां बैठे हैं जहां दरबार है, और सीढ़ियों के पास में जैसे मतलब वो डॉक्टर साहब वहां बैठे हैं और सीढ़ियों के पास में इतना इतना डिस्टेंस था हम लोगों दोनों के बीच में. तो मेरे अंकल उनके पास जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये सर्जरी तो हो गया, लेकिन क्या कहते हैं ये स्टिचेस थोड़े से हील नहीं हो पा रहे. तो हमें ये कंफ्यूजन हो रहा था, घर में सारे बात कर रहे थे कि ये सर्जरी डॉक्टर ने करी है कि उसकी टीम ने करी है. अब कंफ्यूजन कैसे क्लियर किया जाए, डाउट आ गया दिमाग में, कैसे क्लियर करोगे. तो गुरु जी यहाँ पे भी हेल्प तो करते ही है हर जगह पे. तो इतनी दूर खड़े हैं जितनी दूर वो डिस्टेंस मैंने आपको बताया. तो मेरे मेरे अंकल उनको जाके बोलते हैं कि ये सर्जरी तो हो गई डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें अभी भी हील नहीं हो पा रहा है. तो मुझे वहां से टर्न करके गुरु जी जैसे अपने हाथ को अपने आंखों के पास ले जाके ऐसे टर्न करके आधा फोल्ड करके कहते, ये सर्जरी मैं कितनी है, बिल्कुल ठीक कितनी है. दो मैंने एक ही जगह पे दो मेस्ट लगाई हैं, क्योंकि बैक का मामला है, तुम अभी यंग हो, तो मैंने दो दो मेस्ट लगा दिए हैं, बिल्कुल सोना काम कितना है. ऊपर का स्टिचेस तो कोई भी लगा सकता है जूनियर, पर अंदर का काम मैंने खुद किया है. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई, मतलब आपको इतना क्लियर कट, आपका कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं, और मतलब इट इज नो वन एल्स देन गुरु जी. मैं उठ के ये सुनने के बाद मैं उठ के उनके पास तक पहुंची. ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दी दिस डॉक्टर वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दी लिफ्ट, जो इनके डॉक्टर्स की अपनी लिफ्ट होती है जो सर्जरी के लिए आती है. लिफ्ट ही नहीं आ रही है, इनकी लिफ्ट इमिजिएटली आती है, इमिजिएटली इन द सेंस कि 5 मिनट के अंदर आती है, लिफ्ट ही नहीं आ रही है. और वो मुझे सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी का कि आपको पता है, और मतलब कैन यू इमेजिन संगत जी कि ये इट इज गुरु जी स्टैंडिंग देयर, इट इज नो वन एल्स, इट इज गुरु जी स्टैंडिंग देयर, इट इज गुरु जी हु हैज डन अ सर्जरी, इट इज गुरु जी हु वाज स्टैंडिंग देयर. एंड कहते हैं कि सत्संग सुना रहे हैं कि मैं ये डॉक्टर साहब अपना सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी के साथ कि मैं वहां गया था, मेरी इंटरव्यू थी ये एम्स में, गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी इंटरव्यू थी. तो गुरु जी के पास गया मैं पहले, और गुरु जी ने बोला कि तेनु ते ऑफिस मिलेगा तू. तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने हंस के बोला गुरु जी को कि गुरु जी ऑफिस ते होंदा ही नहीं होते, तो क्यूबिकल्स होंदे ने. तो गुरु जी कहते ना तेनु ऑफिस मिलेगा. तो ये वहां गए डॉक्टर साहब डायरेक्टर के पास मिलने के लिए गंगाराम हॉस्पिटल में. ये मुझे अपना सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी के साथ. तो ये वहां गए और इन्होंने उनको बोला कि अगर मुझे ऑफिस मिलेगा तभी मैं ज्वाइन करूंगा. तो जिस डायरेक्टर को बोला, डायरेक्टर ने चाबी निकाली, अपना ड्रॉ खोला, चाबी निकाली और बोला ये लो. वापस आए और गुरुजी के पास आए ये डॉक्टर साहब. तो गुरुजी उनको कहते हैं, दिस इज रियलिटी, गुरुजी उनको कहते हैं कि हुन मिल गया ऑफिस. तो डॉक्टर साहब हंस के कहते हैं गुरुजी को इंसिडेंस हो गया ये तो. तो जैसे गुरुजी हंसते थे उन्होंने स्माइल दी गुरुजी ने उनको, दिस इज व्हाट डॉक्टर इज टेलिंग मी इन फ्रंट ऑफ दैट लिफ्ट. फिर कहते गुरुजी ने ना घड़ी पहनी होती थी, एक पर्टिकुलर टाइप की घड़ी पहनी हुई होती थी. तो मैं एक दिन गुरुजी की घड़ी देख रहा था और गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी ने मुझे देखा देखते हुए, और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी कड़ी तो तुसी बड़ी सोनी पहनी हुई है. तो गुरुजी उसको देखते हैं, डॉक्टर साहब को उसकी कलाई को देखते हैं और कहते हैं देते मैं दिंदा तेनू, लेकिन तेनू सूट नहीं करेगी.
दिस वॉज ऑल दिस इंटायर इंसिडेंट इज हैपनिंग इन एम्पायर स्टेट. तो कहते डेट मैं देंदा तेन लेकिन तेन सूट नहीं करेगी. तो डॉक्टर साहब ने गुरु जी को बोला कि मैनु फिर ओ कड़ी दे दो जेडी सूट करेगी. एंड कहते आई गई हो गई बात. 2 महीने के बाद में गुरुजी कहते हैं कि 2 बजे मुझे रात को गुरुजी ने फोन किया और बोला आजा. तो कहते मैं गया एम्पायर स्टेट गुरुजी को मिलने के लिए. एंड गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी कलाई के ऊपर घड़ी रख दी. कहते ए सूट करेगी तेनु कड़ी. तो डॉक्टर साहब कहते कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये घड़ी दी, पर आप दिन में भी दे सकते थे. गुरुजी कहते ना, वेला होंदा देन दा, ए वेला है ता मैं दे रहा तेनु. आप इमेजिन करो 1, 2, 3 सत्संग वहां सुनाए जा रहे हैं वो मुझे, एंड उनकी लिफ्ट ही नहीं आ रही है. एंड आई वॉज इन टीयर्स, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी आप कितना मुझे, कितना अपना अपनापन कितना दिखा रहे हो आप मुझे. एंड मैंने लिख ली कि गुरुजी वहां खड़े हैं डॉक्टर के उसमें. मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ पकड़ लीजिए. एंड ही वॉज होल्डिंग माई हैंड एंड टीयर्स फ्लोइंग डाउन माई आईज कि गुरुजी आप कितना कितना प्यार करते हो आप मेरे को, कितना आपने मुझे शुरू से 28 अगस्त से लेकर अभी तक कितना आप मेरे साथ 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 मुझे कितना मोटिवेट, कितनी पॉजिटिविटी, कितना अपनापन, कितना प्यार, कितना कितना कुछ दिए जा रहे हो आप. कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आप कोई एक ब्लेसिंग, कोई एक सत्संग, कोई एक मिरेकल नहीं दिखाते. आप गुरु जी कहते थे मिरेकल्स नहीं होते, ब्लेसिंग्स होती है. कितने ब्लेसिंग्स आप दिखाते हो गुरु जी मुझे, अपने ऊपर दिखाने के लिए कितने लोग होते हैं. यहाँ गुरु जी देखो खुद खड़े है. मैंने हाथ पकड़ लिया उनका और उसको बोला कि मेरा हाथ पकड़ लिया जी डॉक्टर साहब. उसने मेरा हाथ पकड़ लिया एंड वाज होल्डिंग इट फॉर नियरली अबाउट 2-3 मिनट्स. उनकी लिफ्ट आई और वो चले गए. मैंने उस दिन घर पे आके हाथ नहीं धोए कि गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़े. एंड मेरे हस्बैंड मुझे कहते डॉक्टर सोच रहा होगा ये पागल औरत है, इसने मेरा हाथ, इसने अपना हाथ मेरे को पकड़ा दिया. मैंने कहा ना, ये गुरुजी वहां खड़े थे, दिस वॉज नो वन एल्स. कैसे एक लंबर हर्निया जो एक डॉक्टर, गलत डॉक्टर के हाथ में भी जा सकता था, ये एक्सीडेंट, वो लैप्रोस्कोपिक करता और पता नहीं कितनी मेरी नर्व डैमेज हो चुकी होती मेरे स्पाइन की, कैसे हम इस डॉक्टर के पास पहुंच गए, कैसे हम, कैसे इसने सर्जरी करी जो ये किसी की सर्जरी नहीं करता, पुलिस की टीम करती है, ये नहीं करता. इसने कहा कैसे एक एक चीज को अगर हम ज्वाइन करें संगत जी, कितना प्यार, कितना प्यार गुरु जी देते हैं अपने लोगों को. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, जस्ट अ मैटर ऑफ फेथ. आप खाली महसूस कीजिए गुरु जी को एंड गुरु जी इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू टू हेल्प यू. आप एक हाथ बढ़ाओ गुरु जी आपके आगे 10 हाथ अपने बढ़ा देंगे. ऐसा हाल मैंने खुद महसूस किया है. इस पूरे एक साल के अंदर इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया. वो एक साल तो जो निकल गया, निकल गया, काम खत्म हो गया. मैं इस पूरे ड्यूरेशन में मेरी मदर मेरे साथ थी, शी वांटेड टू गो बैक टू हर प्लेस, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता जा रहा था कि शी वाजंट एबल टू. इस पूरे हादसे के बाद में फरवरी में जब सर्जरी हो गई, मार्च एंड अप्रैल में, हाँ मार्च एंड में हमें कोविड हो गया. शी वॉज रेडी टू गो एट दैट टाइम, उस टाइम पे कोविड हो गया, शी कुडंट गो. फिर गुरु जी एक दिन मुझे ड्रीम में आके कहते हैं, ड्रीम में मेरी मदर आ रही हैं और मुझे कह रही हैं गुरु जी का सत्संग करा ले, मैंने जानना है. शी इज टेलिंग मी इन माई ड्रीम. और मैं ड्रीम में सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, पूरा पूरी तैयारी कर ली मैंने सत्संग की, घर में सत्संग भी हो गया, पूरा सेट कर लिया. दिस इज ऑल इन माई ड्रीम. एंड कैन यू बिलीव, मैंने घर में एक्चुअली वो जो नेक्स्ट जैसे भी थर्सडे आया मैंने सत्संग किया एक्चुअल में, और मेरी मदर वॉज नॉट देयर. वो उससे पहले पहले ही चली गई, मतलब जैसे गुरुजी ने उनको रोक के रखा था सत्संग करने के लिए. क्योंकि इनिशियली जब मेरी 28 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था, तो कितने मेरे गुरुजी के संगत, कितने ही लोगों ने मुझे बोला था कि हम सत्संग करेंगे जब तू अपने पैरों पे चलने लगेगी. एंड मे बी आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं करूंगी, लेकिन
टाइम नहीं उतना हो पा रहा था, टाइम नहीं वैसा था कि हम सत्संग कर पाते, इट वॉज ऑल वर्चुअल एंड नहीं हो पा रहा था. तो आई वॉज जस्ट डिलेइंग इट अ लिटिल बिट कि मैं बाद में करूंगी बाद में करूंगी. और देखो कैसे गुरु जी ने ड्रीम में आके बोला माँ मेरी मदर के थ्रू की सत्संग कर ले, मैंने गुरु जी का सत्संग कर ले, मैंने जाना है. एंड वही हुआ कि सत्संग किया एंड विद इन टू डेज शी वेंट बैक टू हर प्लेस. इतना इतनी मेहर, आई कैन नॉट बिलीव इट. और घर के अंदर इस ड्यूरेशन के अंदर एक दिन इतनी खुशबू रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही और मैं नाक से स्मेल करने की कोशिश कर रही हूँ, सुनने की कोशिश कर रही हूँ कि रोजेस की इतनी फ्रेग्रेंस कैसे आ रही है. तो मेरे आगे पीछे जो मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, संडे को मैं उसको पढ़ाने के लिए बच्चों को बैठी हुई थी उनके साथ, तो वो मुझे कह रहे हैं कि मम्मा क्या हो गया. तो मैंने कहा मुझे रोजेस की खुशबू आ रही है. पहले तो दोनों ने बोला नहीं, फिर धीरे 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 कहते हाँ हमें भी आ रही है, हमें भी आ रही है. एंड इट वॉज पूरा रूम वॉज फुल ऑफ रोज फ्रेग्रेंस. कितना कितना फ्रेग्रेंस था उस दिन. सो गुरुजी वॉज मेकिंग इट अ पॉइंट, आई एम हियर विद यू, मैं हर वेले तुम्हारे साथ हूँ, तुम मत घबराओ, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं साथ साथ तुम्हारे चल रहा हूँ. देन ऑल दिस टाइम आई वॉज एक्चुअली वर्किंग बिफोर दिस एक्सीडेंट हैड हैपेंड एंड 2015 आई हैड क्विट माय लास्ट जॉब. तो मैं जब बेड पे थी तो आजकल क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट था तो मैं अपनी सीरीज भेजते जा रही थी कि मैं तो बेड पे ही लेती हूँ. तो मे बी इफ आई गेट अ वर्क फ्रॉम होम टाइप ऑफ अ थिंग तो मुझे क्या करना है, लैपटॉप एक पकड़ना है, बेड पे बैठे रहना है, तो मेरे को शायद जॉब मिल जाएगी. तो मैं काम भी कर लूंगी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाएगी, थोड़ा पैर के दिमाग पैर से हट जाएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा. ऐसे करते करते मैं कितना मतलब गुरुजी को भी बोल रही थी कि गुरुजी मेरे को इतनी अच्छी जॉब्स ऑफर मिली हुई थी पहले और मैं कितनी अच्छी तरह से जॉब कर रही थी और आई नो कि आप मेरे को जॉब इसलिए नहीं दिला रहे क्योंकि मैं अभी उस हालत में नहीं हूँ कि आई कैन वर्क. तो अचानक से क्या होता है कि अभी जुलाई एंड में घर में बैठे बैठे मुझे ऑफर आई एंड which I could not say no to. It was the designation was head HR and salary was up to my expectation. मतलब यहाँ दुनिया टाइम निकाल निकाल के सीवी भेजी जा रही है और यहाँ देखो after 6.5 years I am getting an offer for a job for a multinational company and I am a head HR. I started working now in August 23rd. So it's been just few days. और ये गुरुजी की ही मेहर है कि कैसे वो उसका प्यार है कि कैसे आज मैं ये जिंदा हूँ और कैसे गुरुजी ने जो उस टाइम पे बोला था कि उन्हों बाद विच पता चलेगा कि मैं की दिता है, वो बाद विच की पता चलेगा, वो उन्हें ही पता चल रहा है कि गुरुजी साथ साथ किस तरह आपके साथ साथ चलते हैं और कितना आपको प्यार देते हैं. दिस इज अमेजिंग. आप एक बार अपने मन में सोचो कुछ एंड नेक्स्ट मोमेंट वो गुरुजी अगर आपके लिए ठीक है वो जरूर फुलफिल करते हैं. आप मांगो नहीं कुछ भी गुरुजी से, खाली उनके ऊपर विश्वास रखो और बोलो गुरुजी अगर ये मेरे लिए ठीक है तो आप कर दो, अगर मेरे लिए ठीक है. एंड नेक्स्ट मोमेंट आप देखो अगर आपके लिए ठीक है तो वो डेफिनेटली, अगर आपको श्रद्धा है तो वो पूरा होगा. आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स नाउ. मेरे को मैं कभी अपसेट होती हूँ तो मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ गुरुजी मैं अपसेट हूँ, गुरुजी प्लीज आप देख लो कि कैसे वो हो सकता है, कैसे मैं ठीक हो सकती हूँ, कैसे मेरे दिमाग में ये टेंशन चल रही है ये कैसे कैसे हट जाएगी. एंड वही होता है कि एकदम गुरुजी उसे कैसे ग्रीन सिग्नल ग्रीन एरिया कैसे एक मोटिवेशन उसमें टर्न कर देते हैं. एंड कैसे आप सोचो कि ये एक्सीडेंट पूरा एक इटसेल्फ इज अ मिरेकुलस थिंग. कैसे एक एक चीज आप देखो कि इतना बड़ा 5-10 हजार टन का सामान मेरे ऊपर कंक्रीट गिरा हुआ है और एक खरोच नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं जब मैं गिरी, मेरे पैर के ऊपर 5,000 किलो का वजन गिरा हुआ, एक फ्रैक्चर तक नहीं है, नर्व्स डेड अभी भी हैं, आई कैन वॉक.
बट देर इज नो प्रॉब्लम देर. और कैसे हड्डियां टूटी और टूट के वहीं की वहीं जुड़ गई, वहीं की वहीं रह गई, दे डिड नॉट गेट डिसलोकेटेड. कैसे गुरुजी ने अपने लोग भेजे, कैसे गुरुजी ने एक ग्रुप पूरा, कैसे संगत ग्रुप को कैसे मिलाते हैं गुरुजी इस टाइम पे, अपने लोगों को आपस में एक दूसरे के कैसे मिलाते हैं, ये एक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे लोगों ने मुझे अप्रोच किया और पूछा. कितने अननोन लोगों ने मुझे फोन करके पूछा, आंटी आप ठीक हो, वी हैव हर्ड अबाउट यू, आई नो यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन, बट गुरुजी की मेहर है. यहाँ लोगों ने यहाँ तक ये भी कहा कि डॉक्टर ने ये बोला था कि सर्दियों में तुम्हें हड्डियों में दर्द होगी, तो यहाँ तक कि लोगों ने ये बोला कि गुरुजी इस साल आपके लिए मौसम ज्यादा चेंज करेंगे ही नहीं. एंड कैन यू बिलीव इट, इट वॉज रियलिटी, इट वॉज अ फैक्ट. इस साल इतनी सर्दी नहीं पड़ी. देखो कैसे, मतलब एक एक चीज को जोड़ जोड़ के, जो मेरे पास नर्सेज आई डे एंड नाइट की, दे वर टोटली गुरुजी की तरफ सरेंडर ही कर दिया उन्होंने. मतलब पहले नहीं मानती थी गुरुजी को, जैसे उन्होंने मेरा देखा तो कैसे वो टर्न हो गई. यहाँ तक कि वो जो आंटी हमारे घर में आते हैं, उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया गुरुजी का, पिंक कलर का चोले में, और उसपे ओम का निशान, ओम का निशान नहीं सॉरी, उसके ऊपर गुरुजी के माथे पे शिवलिंग का पूरा एक तीसरी आंख बन गई उसके अंदर. धीरे 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 कुछ कुछ दिनों में वो आंख बनी और धीरे धीरे वो सबसाइड किया. ओ माय गॉड, मतलब मैं अभी भी जो सुना रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हैं. इट्स एन अमेजिंग थिंग. आप खाली विश्वास कीजिए गुरुजी के ऊपर, इतना विश्वास कीजिए कि आपका डगमगा ही ना. आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप गुरुजी का खाली मंत्र जाप कीजिए, इट्स अ ब्लेसिंग. आप खाली मंत्र जाप कीजिए, आंखों में, अपने कानों में एयरफोन्स लगाइए और खाली गुरुजी का भजन ऑन कीजिए. योर माइंड विल बी सो पीसफुल, यू विल एंजॉय इट. ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन आप गुरुजी को याद करें और गुरुजी आपको मायूस कर दें. ना, गुरुजी आपके साथ है. आप आसमान पे देखिए तो आपको गुरुजी नजर आते हैं. इट इज एक्चुअली, आज मैं अपने ऑफिस जा रही थी एंड आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रैफिक लाइट एंड आई कैन सी गुरुजी ऑन द क्लाउड्स एंड मैं वेव कर रही हूँ उनको. मतलब इट्स लाइक अ फादर एंड अ डॉटर एक्चुअली. एंड आई वॉज थैंकिंग गुरुजी कि गुरुजी आज जो आपने मुझे ये जिंदगी बख्शी है, दिस सेकेंड लाइफ यू हैव गिवन मी इज अमेजिंग. थैंक यू गुरुजी, नहीं तो मैंने आज जिंदा नहीं होना था. दिस इज योर लाइफ. और अगर मेरे को, मैं जब एम्पायर स्टेट जाया करती थी 2005 के अंदर, मैं गुरुजी के पास बैठती थी, मैं एंजॉय करती थी गुरुजी के पास बैठना और मैं धीरे से अपनी आंखें ऊपर करके ये देखने की कोशिश करती थी कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, और जैसे देख रहे होते तो मैं फटाफट अपनी आईज नीचे कर लेती थी. एंड आई यूज टू एंजॉय द लंगर प्रसाद, बट आई नेवर गॉट दैट कनेक्टिविटी. दैट कनेक्टिविटी केम ओनली आफ्टर सम इयर्स. तब तक गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, नो डाउट. आई वॉज वेरी, मतलब डीपली आई वॉज सो मच कनेक्टेड विद हिम, बट एक्चुअल मिरेकल्स कहाँ कहाँ, कैसे कैसे मिरेकल्स गुरुजी ने उस टाइम पे दिखाए, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस. आई हैव नो वर्ड्स. अगर मैं तो गुरुजी को अब भी इस बात पे रोती हूँ कि गुरुजी मुझे आपके इन चरणों की उस टाइम पे वैल्यू पता होती, मैं तो अपने घर का राशन पानी लेकर आपके पास पहुंच जाती और मैं वहीं बैठी रहती, मैं कहीं नहीं जाती, मैं आपके चरण ही नहीं छोड़ती. It is actually a miracle thing what has happened with me, and I don't know Guruji कैसे से turn करते हैं, but whatever happens, it is Guruji's wish. मैं Guruji को शुक्राना करती हूँ. अच्छा होगा, बुरा होगा, जैसा भी होगा, आज जो हम खा रहे हैं वो Guruji की बदौलत है. जो इतने सालों से खा रहे हैं वो actually Guruji की बदौलत है, नहीं तो हम तो किसी काम के नहीं थे, किसी उसके नहीं थे कि हम अपने बलबूते पे कुछ कर पाते. ये कुछ अच्छे ही कर्म रहे होंगे जो गुरुजी हमें मिले एंड उन्होंने हाथ थाम लिया. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच कि इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा आने का मौका मिला. थैंक यू सो मच. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना टू संगत जी
एंड शुक्राना टू बड़ा मंदिर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस टाइप ऑफ अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म जहां हम सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जहां से लोगों को पता चलता है कि गुरुजी कैसे किसी को हेल्प करते हैं। ये तो एक मिसाल है, मेरा वाला एग्जांपल तो इट्स अ लिविंग एग्जांपल। मतलब कोई भी सुनता है तो ये फ्यू डेज बैक आई थिंक ट्यूजडे को मैं ये संगत सत्संग किसी को सुना रही थी, किसी सत्संग में फर्स्ट टाइम इनवाइटेड थी और मैं वहां सुनाई थी और लोग रोने लग गए सुन के कि कैसे गुरुजी इतना प्यार देते हैं अपने लोगों को और कैसे किसी को कितना बचाएंगे, कितना देखो आई एम अ लिविंग एग्जांपल। आई एम श्योर मेनी ऑफ देम आर अ लिविंग एग्जांपल, आई एम वन ऑफ देम एंड आई ट्रीट माय सेल्फ एज अ आई कॉल माय सेल्फ एज अ लकी लेडी कि मैं गुरुजी को इस जन्म में मिल पाई एंड कैसे गुरुजी हाथ थाम के बैठे है मेरा। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच।